मेरा सुपना पूरा होया आ। मैं बड़ी बारी इनू कह बंद कुछ ला जो काम आप करना आए थे हो चुका है। तुम मेरी खुशी देख के लग रहा है। गाइज वेलकम है थोड़े सारे नवे ब्लॉग के। आई होप प्रॉपर लाइटिंग नहीं हैगी, पता नहीं कितने आके लाइट आनी है, बट मैं थानू हूँ थोड़ी देर से चानन से मिलूंगी। बस मैं तैयार होने चली हाँ, मैं सुती उठी सी तो टाइम हो गया आ सवेर का 6:30 तो बस पैकिंग करनी है। किसी नूं नहीं पता मैं कित्थे चली हाँ घरे, बस किसी नूं नहीं पता मैं कित्थे चली हाँ, कोई तैयारी नहीं कोई कुछ नहीं। एक जोड़ा पाउणा आ मैं बैग दे विच ते बस हुण एयरपोर्ट चल जाना ते फ्लाइट फड़ लैनी आ। ते फ्लाइट हैगी आ मेरी 10:20 ते, ते किसी नूं नहीं पता मैं कित्थे चली हाँ, बट जिथे मैं चली हाँ ना मेरी लाइफ का एक ड्रीम है वो पूरा हो जाए। तो बस मेरी अखा चो ना हुण बस पानी आने वाला है, बट मैं रोना नहीं इस व्लॉग दे विच, मैं पूरी ट्राई करूँगी। तो बस प्रे करियो भी जेड़े भी मैनू चाहण वाले आ, जे लख बंदा देखता है ना तो 10,000 बंदा होना आ जिहड़ा मैनू गालां कढ़दा आ, 10,000 बंदा होना जिहड़ा मैनू कुछ भी नहीं कहिंदा, तो मैनू लख बंदे दे विच कोई 10 बंदियां दी भी सच्चे दिलों मैनू जो दुआ मिल जाएगी ना इस चीज़ लिए भी जो उसने अचीव कर चली उन्होंने अच्छ मिल जाए तो मेरे लिए इस तो वीड्डी गल कुछ नहीं होनी। मेरा जिंदगी का सुपना सी अज जो मैं कर चली हाँ, वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रीम्स के एक सपना है मेरा। आई होप बस अज पूरा हो जाए तो पैकिंग करते हैं तैयार होने तो चलते हैं। हाँ जी गाइस, इस व्लॉग तो अगे वधन तो पहला मैं गल करूंगी अपने पंजाबी इंडस्ट्री की। पंजाबी इंडस्ट्री विच एक बहुत ही सुपर हिट ब्लॉकबस्टर मूवी आने वाली है जिंदगी जिंदाबाद। यार भाई सॉलिड देना यार, साले एडा दा दिन चढ़या पया यार, कट टप लिया करो भाई, जमा रात है जमा ब्लैकआउट होया पया यार, की गल करी है तू खंडर 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 मित्रों। ते मूवी च तुहानू देखण नूं मिलूगी निंजा दी बहुत ही सोहनी एक्टिंग, बहुत ही बाकमाल एक्टिंग है, ते नाल दे नाल मैंडी दी भी बहुत सोहनी एक्टिंग है। दोनों ही पंजाबी इंडस्ट्री दे विच दोनों ने बहुत नाम बनाया है, बहुत सोहनी एक्टिंग की। मदद कर सकते हो? जी हां जी दसो। लो जी फिर अज तो कब्जा थो। ए फिल्म दे विच तुहानू बहुत कुछ देखण नूं मिल जाणा है, जिदा आपां ड्रामा कह सकदे आ, एक्टिंग स्किल्स सुपर्ब आ, रोमांस आ, मोर ओवर एक्शन भी आ, ते मतलब तुसी ये कह लो भी पूरा जेड़ी पूरी पिक्चर आ वो एक एंटरटेनमेंट दा पावर पैक आ। ते इहदे विच आ भी दस्या होया कि पॉलिटिशियन आ जेड़े वो अपने फायदे लई लोकां नूं किद्दां यूज करदे आ, ते अपने बचाव लई उहनां नूं किद्दां डिस्ट्रॉय कर दिंदे आ। ओए तू मरिया नी तू जी रहा है जिंदगी जिंदाबाद, है जिंदगी जिंदाबाद ओए। ते बहुत ही सोहनी मूवी होने जा रही है जिंदगी जिंदाबाद। 27 अक्टूबर नू सारे सिनेमा हॉल्स विच लग जूगी अपने फ्रेंड्स नाल, फैमिली नाल, जिन्ना मर्जी ग्रुप्स दे विच कल्ले जाके ए मूवी जरूर देख के आईओ। ते मैं भी बहुत जल्दी ए मूवी देख के आके थानू रिव्यूज दूंगी व्लॉग दे विच, ते आपां सारे एक दूजे नू मिलदे आं 27 अक्टूबर। हाँ हुण आई है लाइट। सो गाइज मैं रेडी हो चुकी हाँ, ते बस मैनू बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, बस प्रे ही करो अज तो मैं आही कही जाऊंगी व्लॉग च, मेरे लिए प्रे ही करो। तो बस उबर करवा ली है, उबर वाले भैया आ रहे हैं, आप चलते हैं एयरपोर्ट। तो बस मैं आही लगे चलाऊडा आ वाला बैग छोटा, ये आप तैयार करा लिया। एक हैंडबैग अकिमदी ने भेजा सीगा, बहुत सोहना आ, मैं एक दो बारी यूज़ किया है, मैं बहुत सोहना लगा। तो बस ऑलमोस्ट मैं रेडी हाँ, हूँ आप चलते हाँ तो एयरपोर्ट जाके मिलते हैं। वंशु के व्लॉग च नहीं आऊगा, वैसे वंशु तो मैं जा रहा, होर ना किसी पता है ना कुछ, बट भुखी भानी हाँ मैं, सवेरे इदा ही उठी हाँ तो चली हाँ, तो मैं सोच रही हाँ बनैना पिया बनैना खा लवा। आप भुख लगी बनैना खावे, ठीक है खा लेना चाहिए, कुछ भुखे नहीं कहते घर जाना चाहिए। वेट थानू मैं इत रख देव तो तू ही नहीं टैक दे कि अल मैं देख रही हाँ, मैं कि सियानी जी लग रही है ना, जिनी मैं अभी डरी हुई हाँ ना अंदरों मैनू ही पता है। एप्पल है पे एप्पल, एप्पल नाल लै जाने
बनाना खा जाने हैं। उसे अगर देखूंगी कॉफी वॉफी फाड़ लूंगी, टिमटुम होया खुला ही होया होंगे वैसे तो, टिमटुम फाड़ लूंगी देखूंगी। तो हूँ आप चलते हैं, लेट ना हुई है बस, क्योंकि ऑलरेडी मैं 10-15 मिनट लेट हाँ। वैसे आई सपोज कि मैं 15 मिनट पहला निकलना चाहिए सी, बट मैं लेट हो गई हाँ, तो हूँ आप चलते हैं। चलो सो गाइज अपनी गड्डी आ गई हुई है, तो बारिश बहुत ज़्यादा है यार, इतने टैक्सियाँ भी ऑडी आ। Give to Prime, Amazon or Netflix. Okay. So that's it. So, it's good. Then last year I was traveling to Colombia and Mexico. Okay. So then we did like I hired the people there. Okay. So to shoot a couple of for some projects, right? Yeah. Okay. Same to going around in the city, traveling. Guys, up at airport, पहुँच गए हुए हैं ते ऑलरेडी लेट, क्योंकि तुसी देखिया मैं ऊबर च गल्लां करदी आ रही सी, वधिया सी गल्लां करदे आ रहे सी, मजा आ रहा सी, बट उहदे चक्कर च आपां लेट हो गए। फिर हुण आपां देखदे आ ऊबर 121 है, 121 डॉलर दी ऊबर होई, ते तू क्यों कराई? बाद च मैं दोबारा देखी 200 दी हो गई नहीं, रीजन मी करके ओए होए। सो गाइस फाइनली आप फ्लाइट च बह गए हुए हैं, बेल्टां ला लिए जिहड़ी कि मैनूं अद्धा घंटा समझ ही नहीं आनी। ओहो हुण तुसीं इत्थों व्यू देखो किन्ना सोहणा आने, डोमेस्टिक साइड दे विच कैनेडा दे व्यू बहुत सोहणे आउंदे। इह कहिड़ी लैंग्वेज च बोलदे पए मैनूं समझ नहीं आ रही। Veuillez retirer vos écouteurs jusqu'à la fin de la démonstration. On a une petite belle planie. Si votre appareil électronique tombe sous votre siège, veuillez ne pas essayer de le récupérer par vous-même. Appelez un membre de l'équipage pour le récupérer en toute sécurité. गाइज फाइनली आप पहुँच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पर, हूँ आप इतने 5-10 मिनट बैठा क्योंकि सानू राह टिकाणा कितने नहीं पता। तू बह गया, तेनू क्या बुक करा? इन्हें होटल देख लिया तो कहता कि स्नेहा दीदी होटल लग रहा जिदा किडनैपिंग वाला नहीं होंगे भी, वह हुरिया ही इदा का आ। मैं क्या चल यार एक रात सोना ही है, वंशु जिदा का मर्जी करा लिया। हूँ इतने 5-स्टार की तो अपनी ना जेब लॉक करती है ना जबान बोलना लॉक करती है, भी तू बोल भी आ वर्ड 5-स्टार नो तो जिदा का मिलता उदा का बुक करा लै। पर सची होटल बहुत अजीब है, मैं थानू जाके दिखाई हाँ। वंशु किसी गुरुद्वारे चली करा छेती कर, थकी हाँ मैं, फ्लाइट छेती निकल गई ना, पता नहीं ना लगा। फ्लाइट बड़ी वधिया सी, फ्लाइट का नहीं पता लगा, मैंनूं लगा सी वी किद्दां कटूंगी, 4-4.5 घंटे है। मैं कहा चल कोई नहीं निकल जूगे औखे सौखे, बट औखे सौखे सौखे ही निकल गए। चलो हुण आपां चलीए ऊबर कराइए होटल कराइए तो जाके मिलते हैं। एयरपोर्ट ते आई ते मैं उहनूं कहा सी बाहर मेरी गड्डी लैके खड़ी हुई हो भी मैं आउण लगी हाँ, ते इह अंदर ही लै आंदे सी दिल नाल। इहनां नूं यार सेंस नहीं भी पता मैडम आ रहे आ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੰਸ਼ੂ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਹੋ ਬਾਹਰ ਖੜ ਕੇ ਜੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਖੜੋ ਕਿੰਨਾ ਬਾਹਰ ਜੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਅੰਦਰ ਖੜੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਉਣਾ ਬਹਿ ਕੇ, ਤੂੰ ਰਿਸ਼ੇ ਜਾਏਂਗਾ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੋਮਲੈਸ ਆ ਪਾਗਲ, ਜਿੱਥੇ ਬੁੱਕ ਕਰਾਇਆ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ। ਚਲੋ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਹੋਟਲ ਬੁੱਕ ਕਰਾਇਆ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬਸ ਪੱਥਰ ਜਾਣਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਈ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਸੋ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਪਰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਫਲਾਈਟ 'ਚ, ਥਕਾਵਟ ਜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। 27 ਦੀ ਹੋ ਗਈ, 10 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਰੁਕੀਏ, ਕੀ ਪਤਾ 20 ਦੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ ਡਰ ਰਾਤੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਲਟਾ ਉਬਰ ਕਰਾ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲਾ ਸਟੈਂਡ ਤਾਂ ਲੱਭੋ। ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋਟਲ,
होटल तुसी देख ता लिया, मैं तुहानू उत्थे ही कह के आई हां, मैनू होटल डरावना लग रहा है। हाय वे मंजू मैनू किथे लाया, चाबी दिखाओ। मेरा दिल इतना तक 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 करता गया। ए है नॉर्थ अमेरिका, मेरी भी गल मान ले, ए है वो भी नॉर्थ अमेरिका। हाय रब्बा यार, डर ही लगी जाता मुझे। मैनू मैं तो डोर ही नहीं खोल रहा। जेड़ी ने सानू कीज दी है, अंदरों आवाज जा रही है, अंदर कोई है या यार। कभी भी सस्ता देख के ना आओ, होटल बड़ा डेंजर है। इन्ना की है बस, मंजू नू बुला ला यार। गाइस आप अपने होटल पहुंच चुके हैं। मंजू मंजू आने तो पहला कहता कि स्नेहल जी मैं दो रूम बुक कराए हैं। मैं कहा मैं तो कल्ली तो नहीं रहा होना, जिदा का मैं होटल देखा दे दो रूम नहीं सी बेटे, ये उपर वाला मेरा है, वंशु का है। कि यार मतलब मैनू अगे ही अनसेफ जहा लगता पाया, उपर फिर देखो तुहानू भूत पंगला जहा नहीं लगता पाया यार ये। हाँ देखो मतलब ठीक है, इन्ना भी सस्ता नहीं मिले, बट सानू पता नहीं सी भी ये होगा। उपरों टाइम इदा का आया भी साड़ी फ्लाइट लैंड इस हिसाब नाल हुई है कि बहुत लेट आ। आप ये चीज़ हमेशा पहला करके आनी चाहिए आ, आन तो पहला अपनी बुकिंग वगैरह करा के आओ। चलो हम जिदा मर्जी है रहना पैना कल तक। ठीक है कहते आप हूँ डाउन टाउन एरिया च, बहुत सोहना आ, लोग तुरे ही फिरते साढ़े वर्गा दो मिनट थक जाता, क्योंकि मैं चाहिए सी पासपोर्ट साइज फोटो। तो पहला आप गए थे, पहले आप कितने गए समझो है फिर आप शॉपर्स गए थे, उत्थे नहीं कहते जो सा बंदा फोटो कर दो सिक लीव ते है, तो तुम कितने होर पता कर लो। हम आप कितने होर पता कर आए हैं, इन्ना मज़ा आ रहा है, किसी को कोई लेना देना नहीं है, किसी को कोई कुछ नहीं है, तो सारे अपना अपना इंजॉय कर रहे हैं। कोई इतने मैं जो इतने आई हूँ मैं सिर्फ दो पंजाबी देखे अभी स्टोर से काम करते, कोई सड़क से तुरदा नहीं, कोई वेलियाँ मारदा नहीं, कोई गेड़ियाँ मारदा नहीं। मज़ा आ गया घूम के, लागे लग गया कैनेडा आई हैं। ओए होए सो गाइस सवेर हो चुकी है, सवेर दे बज गए हैं 6:30। तो उठ के आप आई के जो इदा का कोई काम करना होंगे ना, नींद नूंद नहीं आती बंदे नूं, उठ के फिर मैं मॉर्निंग वॉक ते आ गई। तो यार मैनू ना इन्ना सोहना लग रहा है कि वैसे तो मैं व्लॉग नहीं बनाना सी भी, तैयार त्यूर होकर जो आवेंगे उदो बनावे, बट बहुत सोहना है यार। आ जाने मैनू कोई चक लैण, ओटवा बहुत ज़्यादा सोहना लगा मैनू, सारे गोरे ही गोरे। नाइस गाइस हूँ आप तैयार त्यूर होकर आ चुके हैं। पहले भी मैं ब्लैक आउटफिट पाई सी, जैकेट सेम, इसलिए मैं बहुता चेंज नहीं लग रही होंगी, बट मेरे सह सुके पे आ। आई होप सारा कुछ वधिया वधिया होवे, काम तो 5-10 मिनट का ही आ, पर यार हो जूगा ना, कर लाए तो आस कर लिए ते बस वधिया हो जाए यार सारा कुछ, होर नहीं कुछ चाहिए, बहुत डर लगता पाया। चलो हम चलिए आराम ना जा रहा है, करना किसी उठे बैठे बैठते लेट दे। हाँ जी गाइस, तो जिहड़ा काम आप करन आए सी वह हो चुकिया आ, तुहानू मेरी खुशी देख के लग रहा होना कि वह हो गया, बट तुहानू काम नहीं मैं दस्सिया पूरे व्लॉग दे विच मैं कित्थे आई हाँ, किहड़े काम नूं आई हाँ, क्योंकि मैनू सी मेरी बेइज्जती ना हो जाए, एक हो ही जाए फिर ही दसूँगी। तो हूँ भी मैं दसूँगी नहीं, मैं दिखाऊँगी। मैं हूँ चली हाँ वापस सरी एयरपोर्ट, हाँ तो आप बोर्डिंग पास ले लिया होया आ, बोर्डिंग पास लैके हूँ आप वेट करना आ, साढ़े हाले फ्लाइट में 2 घंटे पे आ, तो आप कि बहने बह बू के फिर मैं थानू दिखाई हाँ, तो दसदी हाँ किम आई। सो गाइज
ਮੈਂ ਆਈ ਸੀਗੀ ਮੇਨ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਮੈਂ ਵੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਮੇਨ ਆਪਣੇ ਯੂ ਐਸ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਆਈ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਡ੍ਰੀਮਸ 'ਚੋਂ ਵਨ ਆਫ ਦ ਬਿਗੈਸਟ ਡ੍ਰੀਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਯੂ ਐਸ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਬਟ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੇਰ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਫਸਟ ਅਟੈਂਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ 4 to 5 minutes ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਐਂਡ ਮੈਂ ਬਹੁਤ 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 ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਸ ਵਾਪਸ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਮੰਮਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਆ ਕਿਮਦੀਨ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਆ ਮੈਗਦੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆ ਮੰਮਾ ਆਪਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਆ ਦੀਦੀ ਹੋਣੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਆ ਅਤੇ ਵੰਸ਼ੂ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੰਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਵੰਸ਼ੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਓਗੇ ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਬਸ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਸੀ ਕਈਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਈ ਕਹੂਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਸ ਦਿਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਸੀਗੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੀ ਆ ਇੱਕ ਬਟ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਆ ਅਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਘਰੇ ਫਿਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਚਲੇ ਅਫਰੀਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂ ਐਸ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਓ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਅਫਰੀਕਾ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਉੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੌਫੀ ਪੀ ਸਾਡੀ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਫਲਾਈਟ ਨੂੰ ਰਹਿ ਗਿਆ 40 ਮਿੰਟ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਆਪਣੀ ਲਗੇਜ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਲਈਏ ਚੱਲੀਏ ਫਲਾਈਟ ਫਲੂਟ 'ਚ ਬੈਠੀਏ ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਾਸ ਲਗੇਜ ਚੈੱਕ ਹੋਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਲਾਈਨ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ 10-15 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ ਟਾਈਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਆਏ ਸੀ ਆਲਮੋਸਟ 3-4 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲਾਈਟ 'ਤੇ ਪਰ ਲੰਘ ਗਿਆ ਬਹਿ ਬੂ ਕੇ ਯੂਟਿਊਬ 'ਚ ਲਾ ਲਿਆ ਘਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੰਦੇ ਵਾਂਗੂ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਤਰ ਜਾਓ ਫਿਰ ਡਰਾਈਵਰ ਜੂ ਇੱਦਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਟੇਢਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਰੁਕੇ ਨਾ ਪਕੜਨੇ ਲਈ ਟੋਰੋਂਟੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਈਦਾ ਆਹ ਦੇਖੀ ਆਹ ਦੇਖੀ ਆਹ ਤਾਂ ਕਿੱਡਾ ਕਿੱਡਾ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਉਧਰ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿਹਾ ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਘਰੇ ਹਾਲਾਤ ਮੇਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਬੁਖਾਰ ਜਿਹਾ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਬਸ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸਕੂਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੁਛ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਂਦ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਪਰ ਲੈਗਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਵਲੋਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਐਂਡ ਕਰੂੰਗੀ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਅਚੀਵ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ ਬੜੇ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਹੀ ਹੈ ਬਟ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ 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 ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਬੈਸਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਮੈਰੀਕਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਮੈਰੀਕਾ ਭੇਜਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਟਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਡਰੀਮ ਆ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਰੀਮ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਬਿਗੈਸਟ ਡਰੀਮਸ ਕਈਆਂ ਲਈ ਹੋਊਗਾ ਕਈਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਈਆਂ ਲਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬਟ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬਟ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਦੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਐਂਡ ਕਿਮ ਦੀਦੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇ ਕਰਿਓ ਮੇਰਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਭ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਜਾ ਹੋ ਜੂਗਾ ਅਤੇ ਪਾਪਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ ਮੰਮਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵਰਥ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਈ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਲਾ ਲਓ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕੰਗਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਯੂਅਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇਜ਼ ਅਪਰੂਵਡ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਗਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਈ ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕੰਬਦੀ ਕੰਬਦੀ ਬਟ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਸੀਗਾ ਬਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਉਹਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਸਾਰੇ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਵਲੋਗ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਵਲੋਗ ਹੋਊਗੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬਾਏ ਬਾਏ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਨੈਕਸਟ ਵਲੋਗ 'ਤੇ